गाछ वृक्ष सब पेड़ पौधा सब काट कर के फेंक देते हैं, ये प्रदूषण इसलिए फैलता है। प्रदूषण मरुभू में बनते आ रही है, प्रदूषण फैल। 60 लाख रुपया मुआवजा मिलता है एक जमीन का, एक एकड़ जमीन का। तो ये जो जमीन का हम लोग को उसको पूरा प्रकरण होने के बाद ही जमीन का अधिग्रहण होता है। ये कितना जमीन था सर इसको लेकर? अभी जो तालजरी एरिया में हम लोग का 325 एकड़ जमीन है। और जिसमें शहीद सीधा खानों साहब मारो पुरुषों ने देश को आजादों के लिए लड़ा, ये देश रक्षा के लिए नहीं है, ये जिला प्रशासन हम लोगों के लिए तबाह है, हम लोगों को जानलेवा बनाने के लिए कर रही है। ये समाज ये मरुभूमि बनते आ रही है क्या? बस यहाँ में कितने लोगों को तरफ तरफ के मर रहा है, आंखों से आंखों पा रहा है। देखिए सामाजिक तौर पर समाज ग्राम सभा भी डालता है, सामाजिक एक ग्रामीण सभा। अब जे देखिए लोबिन हमरा लोबिन हम लोग विधायक साहब यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, क्या हो रहा है? ये नतीजा ये गाछ वृक्ष सब पेड़ पौधा सब काट करके फेंक देते हैं, ये प्रदूषण इसलिए फैलता है। प्रदूषण मरुभूमि में बनते आ रही है, प्रदूषण फैल रही है, वायु दूषित हो जाती है, वर्षा नहीं आती है, यही है समाज। और आंखों का नींदों का नींद बह रही है, हम लोग क्या करें अभी? ये सभी जगत में हर हर कोई लाख लाख खुला है, प्रदूषण फैलते आ रही है, ये देश रक्षा नहीं है, ये दूसरों का बलिदान करने के लिए। तो आप देखिए कि महागामा SDM और ग्रामीणों के बीच जो है वो वार्ता चल रही है। क्यों रो रहे हैं? हम लोगों का बिना पूछे बिना प्रशासन के बदौलत हम लोगों का जमीन छीना जा रहा है। और क्या बोलेंगे, जमीन छीना जा रहा है। हाँ कंपनी। ये लोग कितने बजे सुबह आए थे यहाँ पे? सुबह मोटा मोटी 9 बजे आए थे। क्या निर्णय लिया? क्या निर्णय आप लोग क्या बने? ग्राम सभा कर चुके 2018 में कलेक्टरी बरांडा की जमीन हम लोग को नहीं देना, हर हाल में हम लोग का बहुफसलीय जमीन है, हम लोग को नहीं देना। जमीन जाने से क्या क्या दिक्कतें आप लोग? दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है भैया मेरे। हम लोग का जमीन में सारा आश्रित है, मेरा बाल बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सब आश्रित है उसमें। और उसके अलावा हम लोग संतान समझ चाहते हैं जिससे उसके नौकरी होगा, वही लोग जो चिन्हित किया है जमीन उसी को अपना मार्किंग कर रहे हैं। सर मार्किंग अच्छी होगा। तो ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ पर खदान हो जाता है तो बगल वाले लोग रह नहीं पाएंगे, उनका दसना गिरेगा, उनके फसलें नहीं होंगी, ना घर रह पाएगा। यहाँ पे जितना यहाँ पे जो घर है यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर है घर, यहाँ से जो गांव है 700 मीटर दूर है। और जो विधिवत व्यवस्था जो उसको फॉलो करते हुए हम लोग जो जमीन का अधिग्रहण हुआ उसको काम करें। नहीं, अभी 700 मीटर दूर है, अगर कल दिन जिसका जमीन है वो अपनी खेती करना चाहे, खेतों पर आए या घर बनाना चाहे, तो वो कैसे रह पाएगा? नहीं देखिए, एक बार जमीन जो अधिग्रहण होता है उसके बाद तो उसमें खेती बाड़ी नहीं होता है। नहीं, बगल वाले माइंड तो उसी से चालू होता है ना, जो बाकी जो हम लोग का कंपनी का जो व्यवस्था है उसको R&R पॉलिसी के तहत जमीन देना है, उसको हम लोग प्लॉट दे रहे हैं, 5 जिसमें प्लॉट दे रहे हैं, और उसका जो खेती का जो मुआवजा है उसका लगभग 60 लाख रुपया मुआवजा मिलता है एक जमीन का, एक एकड़ जमीन का। तो ये जो जमीन का हम लोग को उसको पूरा प्रकरण होने के बाद ही जमीन का अधिग्रहण होता है। ये कितना जमीन था सर इसको लेकर? अभी जो तालजरी एरिया में हम लोग का 325 एकड़ जमीन है, और जिसमें से हम लोग 125 एकड़ का हम लोग का लोगों की साथ में जो लेन देन पूरा क्लियर हो गया है, नौकरी उसमें हो गया लोगों का, उसका कॉम्पेंसेशन मिल चुका है, उन्हीं लोगों से हम लोग बातचीत करके जमीन का अधिग्रहण स्टार्ट हुआ है। बगल के जो लोग हैं वो रो रहे हैं कि उनकी फसलें खत्म हो गई, 3 महीने प्रयास किया था या फसलें पके? फसल तो हम लोग खत्म नहीं होने देंगे, फसल जिनका जो उनका कॉम्पेंसेशन अगर होगा तो उसको हम लोग बिना कॉम्पेंसेशन के ऐसे नहीं करेंगे। कोई जो विधि का बाहर जो होगा ऐसे कोई कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बकायदा समझा बुझा के जो उनका जो प्राप्त होगा उसको हम लोग देख ही करेंगे। ग्रामीणों को घर में जाकर प्रशासन के द्वारा पिटाई कर दी गई, फिर अंदर रोक दिया गया, अब वो डर से बाहर नहीं निकल रहे तो वो कम्पनसेशन क्या लेंगे? नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे डरेगा क्यों? ये विधि व्यवस्था में ऐसे कुछ तो नहीं किया। जो लोग कुछ लोग जिनको कोई जमीन से लेना देना नहीं है
जिनका जमीन है वो लोग हमारे साथ में है। बस्तिया वाला जो है वो लोग ग्रीन ड्रेस में है, जो यहाँ का जमीन वाले वो लाल ड्रेस में, सब हमारे साथ में है। वो जिनका जमीन हम लोग अधिग्रहण किया है, जो लोग को नौकरी मिला है उन्हीं का जमीन में वो लोग खड़े हैं, उनको छोड़ के बाकी जो लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं वो बाहर का लोग हैं, बगल के लोग हैं, जिनका की जमीन बर्बाद हो जाएगा वो लोग हैं। नहीं, उनका जमीन ना हो सकता है, क्योंकि बगल में जब खदान के बगल में रहेंगे तो वो कोई काम का होगा नहीं, तो उनका जमीन बर्बाद हो जाएगा। शायद इस वजह से ये विरोध था और लंबे समय से ये विरोध था। तो क्या लगता है?